जी, आज हम जिस जगह की सैर को जा रहे हैं उस जगह का नाम है जी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। एक्चुअली फ्रांस ने ये स्टैचू डिज़ाइन एंड मॉडल करके अमेरिका को गिफ्ट किया था 4 जुलाई 1884 को। तो ये स्टैचू जो है प्रेजेंट करता है फ्रेंडशिप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड फ्रांस। इसके अलावा इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी कहते हैं, स्टैचू ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, और ये वर्ल्ड में इतना ज़्यादा फेमस है कि पूरी दुनिया से लोग इसको देखने आते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स का सिंबल बन चुका है, लेकिन एक्चुअल में ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर न्यूयॉर्क सिटी के हार्बर पे प्रेजेंट है, यानी कि एक आइलैंड पे इसको बनाया गया है। ठीक है, तो द स्टैचू वाज प्रेजेंटेड टू द यूएस, टेकन अपार्ट, शिप्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन इन क्रेट्स एंड रीबिल्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। हम इसी स्टैचू को देखने जा रहे हैं। ये फेरी स्टेशन के करीब हम पहुंच चुके हैं। फेरी स्टेशन के अंदर मैं जाता आपको दिखाई दे रहा हूं यहां वीडियो में। ये हार्बर की तरफ हमें ले जाएगी जहां पे स्टैचू लोकेट करता है। यहां से हम शिप लेंगे या फेरी लेंगे, जो भी चीज़ हमें आसानी से मिल जाएगी। तो ये फेरी स्टेशन है सेम एज इट इज़, जैसे हमारे यहाँ बस स्टेशन होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं या रेलवे स्टेशन है, इसी तरह से ये फेरी स्टेशन है। यहाँ फेरी स्टेशन से 3 तरह की फेरीज जाती हैं। कुछ फेरीज तो यहाँ से न्यू जर्सी की तरफ जाती हैं और कुछ यहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जाती हैं। तो मैंने यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मुझे पता चला कि जो हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो फेरी है वो आज के दिन यहाँ से नहीं चलती, बल्कि इसके लिए मुझे वॉक थ्रू करके जाना पड़ेगा थोड़ा सा दूर एक और स्टेशन की तरफ, और वहाँ से मुझे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए लेनी पड़ेगी फेरी। तो यहाँ से मैं वॉक करता जा रहा था, सोचा आपको भी साइड वाले सीन, समंदर के साथ साथ जो बिल्डिंग्स हैं, जो हार्बर के साथ साथ चीज़ें हैं, वो सारी आपको मैं साथ साथ दिखाता जाऊँ। तो हार्बर के साथ साथ हम चलते जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो आपको शिप्स नज़र आ रही हैं सारी, ये एक्चुअली विजिटर्स के लिए रखी गई हैं। यहाँ पर विजिटर्स के लिए इन शिप्स के अंदर ही डिफरेंट टाइप्स के रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं, कॉफ़ी रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए हैं, और इस एरिए के अंदर स्पेशली अराउंड में सारे के सारे आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। लोग आपको यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं, कुछ घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, कुछ शिप्स के अंदर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो अराउंडिंग या सराउंडिंग कह लें आप, ये सारी की सारी कंसिस्ट करती है डिफरेंट टाइप्स के रेस्टोरेंट्स के ऊपर। तो इन शिप्स के अंदर ही डिफरेंट रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को यहाँ से जूम इन करके अगर कैमरे से देखें तो देखा जा सकता है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है। तो जूम इन करके आप ये कोस्ट लाइन, यानी कि इस जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसके ऑपोजिट जो बिल्डिंग्स हैं, इसके ऑपोजिट जो पार्ट है न्यूयॉर्क का, जो डिफरेंट तरह के ब्रिज के ज़रिए आपस में जुड़ा हुआ है, जैसे ब्रुकलिन ब्रिज है उसके ज़रिए आपस में जुड़ा हुआ है, तो आप दोनों कोस्ट लाइन को एक साथ देख सकते हैं। सिमिलरली जब आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर जाते हैं तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी आपको ये दोनों कोस्ट लाइन नज़र आती हैं। अब क्योंकि मैं फेरी स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो फेरी स्टेशन पे जाते हुए डिफरेंट जो भी चीज़ें रास्ते में आ रही हैं वो हम देख सकते हैं। डिफरेंट तरह के मोनूमेंट्स हैं यहाँ पे रखे हुए। इसके अलावा कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करने के साथ साथ फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से गुजरता जा रहा था, यहाँ पर कुछ और मोनूमेंट्स भी रखे गए हैं, जैसे कि वेटरन वॉर्स वाला जापानीज़ और यूएस की जो वेटरन वॉर थी उसके नतीजे में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाई गई है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ये न्यूयॉर्क कोरियन वॉर वेटरन, सॉरी जापानीज़ नहीं है, ये कोरियन वॉर वेटरन्स का एक मोनूमेंट है जो यहाँ पे रखा गया है, जिन लोगों ने जंग में उस वक्त हिस्सा लिया था वर्ल्ड वॉर 1 में और 2 में, उनको यहाँ पर मोनूमेंट के तौर पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। अब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ये लाइन नज़र आ रही है। जिन लोगों ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने जाना है वो ये सारे लोग आपको एक साइड पे राइट साइड पे जो चलते नज़र आ रहे हैं, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने जाने वाले लोग हैं। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, रश बहुत ज़्यादा है। मैं एक साइड पर क्यों चल रहा हूँ इस लाइन के, इसलिए क्योंकि मुझे स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जाने के लिए सबसे पहले टिकट की ज़रूरत है, और टिकट जो है वो बाहर से मिलती है, यानी कि इस एरिया से बाहर से मिलती है। तो मैं टिकट लेने जा रहा हूँ, और टिकट हाउस में जाने तक के लिए ये लंबा सफ़र है, लेकिन स्टिल आप देखें ये लाइन अभी ऑन गोइंग है, लाइन बहुत बड़ी है, 200-300 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसके बाद ये सिक्योरिटी चेक वाला एरिया, ये जो आपको ये वाइट सी
शीट नज़र आ रही है, शीट के नीचे जितना भी कुछ है वो सिक्योरिटी या हेड है, यानी कि जितने लोग भी फेरी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जाएंगे उनका सिक्योरिटी चेक प्रॉपर होगा यहाँ पे, और फिर वो आगे फेरी की जानिब जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं जिनको मैं फॉलो करता जा रहा था कि टिकट हाउस किस तरफ है, टिकट कहाँ से ख़रीदनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, टिकट हाउस को देखने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं साइन बोर्ड्स भी डिफरेंट तरह के लगाए गए हैं ताकि पता चल सके कि टिकट हाउस जो है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इस जगह पे पहुँचा मुझे टिकट हाउस नज़र नहीं आया, मैं दोबारा से बैक मुड़ा और फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे नहीं बल्कि ये जो बिल बोर्ड लगा हुआ है टिकट का, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो बिल्डिंग है वहाँ पर अंदर जाके टिकट हाउस है। सो आई एम अप्रोचिंग देयर टू बाय टिकट। यहाँ से ये देखें, ये जो एरिया था ना, ये टिकट बाय करने वाला एरिया था, यहाँ से अंदर जाके जिसके साथ ये ओपन लिखा हुआ है 8 to 5, ये मैंने अपनी टिकट परचेज़ की है $23 की। और यहाँ से अब मैं दोबारा से जो लाइन मैंने आपको जाते हुए दिखाई थी उस लाइन में मैं लग गया हूँ। वो उस लाइन में लगने के बाद आप अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, फिर सिक्योरिटी चेक पॉइंट आता है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट के बाद फिर आप वेट करते हैं, और वेट करने के बाद फिर आप सिक्योरिटी चेक वगैरह के बाद आप लाइन में लग जाते हैं, और लाइन में लगने के बाद आप फेरी का इंतज़ार करते हैं, फिर फेरी से लोग वापस जो वहाँ से घूम के आ रहे होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद फिर आपको वन बाय वन अंदर भेजा जाता है फेरी के अंदर, और फिर फेरी में आप देखते हैं कि आपने कहाँ बैठना है, आपको कौन सा व्यू कहाँ से अच्छा लगता है, फिर आप वहाँ पर खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं, और इसी तरह से ये सिलसिला चलता है और फिर आपका एक समंदर का सफ़र शुरू होता है। ये फेरी बहुत ही प्यारी फेरीज हैं, बहुत अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट है, इसके अंदर वॉशरूम की सहूलत भी है, इसके अलावा इसके अंदर खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं, आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं इसके अंदर, और डिफरेंट टाइप्स के लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, लोगों के कल्चर्स को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप जैसे जैसे सफ़र करते जा रहे हैं तो आप अगर बैक पे देखें तो बैक पे न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी, समंदर के अराउंड जितने भी एरिया हैं वो नज़र आएंगे, डिफरेंट टाइप्स के ब्रिजेस जो न्यूयॉर्क को आपस में कनेक्ट किए हैं उन ब्रिजेस को आप देख सकते हैं, और इस तरह से ये सारा सफ़र आगे चलता रहेगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप यहाँ से मूव करते करते आइलैंड पे पहुँचेंगे जहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहले से मौजूद है। समंदर को अगर देखें तो समंदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, यहाँ से समंदर का सारा इलाका आप ईज़िली देख सकते हैं, पानी भी बिल्कुल साफ़ सुथरा था, फेरी का सफ़र भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। कुछ लोग जिनको डर लगता है फेरी से या फेरी में बैठने से, तो उनसे गुजारिश है कि वो नीचे वाले फ्लोर पे बैठ सकते हैं, टॉप फ्लोर पे ना बैठें बेशक, और नीचे से ही इंजॉय करें इस सफ़र को। और जो लोग ज़्यादा अच्छा इंजॉय करना चाहते हैं वो ऊपर टॉप फ्लोर पर बैठ जाएँ, ताकि टॉप फ्लोर से वो अराउंड सारा का सारा व्यू जो है वो ईज़िली देख सकें। बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े थे ऊपर, क्योंकि वो नीचे से ऊपर की तरफ आए और उनको फिर ऊपर आके सीट्स वगैरह नहीं मिली, और कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से ही ऊपर की तरफ खड़े थे। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन ये जितना भी सफ़र था 10 से 15 मिनट का, ये बिल्कुल कंफर्टेबल सफ़र था और तमाम लोग इस सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। फेरी लेने के बाद आपकी मर्ज़ी होती है कि फेरी जो है वो आप किस फ्लोर पे बैठना चाहते हैं। फेरी के अंदर एक्चुअली 3 फ्लोर्स हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है और सेकंड फ्लोर होता है। सिमिलरली ये जो फेरीज हैं ये भी बहुत बड़ी हैं, ऑलमोस्ट 300 to 400 लोग इस फेरी में एट अ टाइम सफ़र कर सकते हैं। इसमें भी एक ग्राउंड फ्लोर था फेरी के अंदर, फिर एक फ़र्स्ट फ्लोर था और एक सेकेंड फ्लोर था, तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ जगह मिलती है आप वहाँ बैठ सकते हैं, आप कॉर्नर्स पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली मना किया जाता है कि आप कॉर्नर्स पे खड़े ना हो। ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, यानी कि सेकंड फ्लोर पे खड़े हों ताकि आपको व्यू क्लियर हो। तो मैंने भी यही कोशिश की कि मैं टॉप फ्लोर पे आके खड़ा हुआ और मैंने ये पूरे सफ़र को इंजॉय किया। यहाँ से आप न्यूयॉर्क की जो टॉल्स बिल्डिंग है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में टाइम स्क्वायर वाली वीडियो में दिखाई थी, उस वीडियो में जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे खड़े होकर एक जिप लाइन की तरह नज़र आती हैं, कि जैसे समंदर के किनारे पे पूरा का पूरा शहर कैसे आबाद हुआ वो सारा का सारा इधर दिखाया जाता है फेरी के साथ। जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं लोग हैं और लोगों के पीछे बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं सारी न्यूयॉर्क की मेन सिटी की, तो इसी तरह से ये पूरा व्यू वहाँ से नज़र आता है, ईज़िली समंदर से भी नज़र आता है और एक कोस्ट लाइन नज़र आती है। बहुत सारे लोग आपको हेलीकॉप्टर्स पर भी विज़िट करते नज़र आएंगे इस दौरान, और बहुत सारे लोग आपको अपने प्राइवेट जेट्स में भी नज़र आएंगे, बहुत सारे लोग आपको डिफरेंट प्राइवेट सर्विसेज जो वहाँ पे चलती हैं टूरिस्ट के लिए उन पे भी सफ़र करते वहाँ पहुँचते नज़र आएंगे। लेकिन मेन जो
सिटी टूरिस्ट हैं उसकी दो ही फेरीज चलती हैं जो हर आधे घंटे बाद वहाँ से लीव करती हैं और आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एलिस आइलैंड तक लेके जाती हैं। तो एक फेरी न्यू जर्सी के एरिया से भी आती है और एक फेरी न्यूयॉर्क के एरिया से भी आती है। तो दो दो फेरीज और प्राइवेट चीज़ें, ये सारी डिफरेंट तरह की सहूलियात हैं जो आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक लेके जाती हैं। मोस्टली आपको न्यूयॉर्क के कोस्ट से लेके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आइलैंड तक तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। 10 से 15 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद आप वहाँ पे दोबारा से जैसे वन बाय वन नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद चेक इन करते हैं और चेक इन करने के बाद उस आइलैंड का विज़िट करते हैं। तो कोशिश होनी चाहिए आपके पास कि आपके पास अपना सामान, आप ज़ाती सामान जो है आप साथ लेके जाएँ, जैसे कि एक छोटा सा हैंड बैग हो आपके पास जिसके अंदर आपके पास मोबाइल के चार्जर्स या पावर बैंक्स वगैरह मौजूद हों, क्योंकि मोस्टली केसेस में मैं देख रहा था लोगों के मोबाइल की बैटरीज ऑफ हो गई थी, कुछ लोगों के यहाँ पे इस जगह पे सिग्नल नहीं आ रहे थे और कुछ लोगों का कैमरा की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो जब भी आपने इस जगह का विज़िट करना हो तो आप अपने सारे गैजेट्स जितने भी आपके पास फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड हों या वीडियोग्राफी से रिलेटेड हों उनको प्रॉपर चार्ज करके जाएँ। और जैसे ही आप इस स्टैचू के करीब पहुंचेंगे तो आपको देखें साइड पे डिफरेंट और फेरीज भी नज़र आएंगी जो यहाँ पे आ रही हैं, अप्रोच कर रही हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ लैंड करने की कोशिश कर रही हैं। तो हमारा भी थोड़ा सा ही सफ़र रह गया बस, और थोड़े से सफ़र के बाद हम भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आइलैंड पे पहुंच जाएंगे और फिर मैं वहां पे आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे वहां पे घूम सकते हैं। एक्चुअली ये आइलैंड जो है ये एक सर्कल की तरह यहां पे बना हुआ है। आप सर्कल, आप जहां से उतरते हैं वहां पे दो कोस्ट हैं, यानी कि दो स्टेशन हैं। ये आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी अभी थोड़ी देर में नज़र आएगा तस्वीर में। तो दो स्टेशंस हैं और दो स्टेशंस में से एक स्टेशन जो है वो न्यूयॉर्क टर्मिनल वाला है और एक न्यू जर्सी टर्मिनल वाला है। अब जैसे ही स्टैचू के करीब पहुंचते हैं तो आपको स्टैचू वाजह होना शुरू हो जाता है। वैसे तो ये जैसे ही आप शिप में आते हैं तो सामने नज़र आ रहा होता है, लेकिन वहाँ से दूर से इतना ज़्यादा अच्छा पता नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे आप आइलैंड के पोर्ट के करीब पहुँचते जाते हो वैसे वैसे ये आपको और ज़्यादा अच्छा लुक दिखाई देने लगता है। स्टैचू जो है ये इसकी बनावट जो है एक प्रॉपर डिज़ाइन के थ्रू की गई है कि ये जो इसके हाथ में हमारे पास लैंप है या ये जो एक प्रॉपर डिज़ाइन से इसको बनाया गया है, जैसे कि हमारे पास फ्लेम है स्टैचू का क्राउन है। एक्चुअली ड्यू टू कोविड बहुत सारे लोग अब स्टैचू के ऊपर नहीं जा सकते, हालांकि जो पहले विजिटर्स या टूरिस्ट आते थे उनसे सुना जाता था कि आप स्टैचू के अराउंड ही नहीं घूम सकते बल्कि स्टैचू के अंदर जाने का एक रास्ता है, वहाँ से उस रास्ते के थ्रू स्टैचू के ऊपर स्टैचू के क्राउन जो क्राउन वाला उसका जो सर वाला पोर्शन है जो रात को चमक भी रहा होता है, जिसकी लाइट्स भी रात को ऑन होती हैं, क्राउन वाला जो पोर्शन है, तो आप उस पोर्शन तक इजीली जा सकते हैं। वहाँ तक स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स से फिर वहाँ उस क्राउन वाले पोर्शन से पूरे अमेरिका का यानी कि न्यूयॉर्क का जो एरिया है उसका प्रॉपर एक विज़िट कर सकते हैं। ये इतना बड़ा स्टैचू है कि जैसे हमारे कोई बिल्डिंग हो जो 22 मंजिला बिल्डिंग हो तो 22 मंजिला बिल्डिंग जितनी इसकी हाइट है तकरीबन, ठीक है। ये आइकन ऑफ फ्रीडम भी कहलाता है यूनाइटेड स्टेट्स का, और जो भी इमिग्रेंट्स सी के ज़रिए अमेरिका में दाखिल होते हैं, समंदर के ज़रिए अमेरिका में दाखिल होते हैं, तो ये सिंबल, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो उनको वेलकम करता है। तो इसको हम सिंबल ऑफ वेलकम भी कहते हैं। किन के लिए? इमिग्रेंट्स के लिए जो अराइव करते हैं समंदर के थ्रू। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में दाखिल होने के बाद आप यहाँ से नीचे उतरें और नीचे उतरने के बाद आप इसके स्टैचू की साइड पे जो भी कोस्ट लाइन है वहाँ तक मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और घूमने के बाद आप पूरे स्टैचू को देख सकते हैं। जैसे यहाँ तस्वीर में दिखा रहा हूँ मैं आपको, साथ साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, बहुत सारे लोग विज़िट करते नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग तस्वीरें बनाते नज़र आ रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये इलाका बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, यहाँ से न्यूयॉर्क की लाइट्स, बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स जो हैं उनको आप ईज़िली देख सकते हैं, उनको ईज़िली उनके थ्रू, उस लाइन के थ्रू आप उनके साथ अपनी पिक्चर्स बनवा सकते हैं और डिफरेंट तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अराउंड बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ साथ ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ, एक ये लिबर्टी बाइक रखी गई है, ये क्लोज़ेट में मौजूद थी लिबर्टी बाइक, एक यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे लिबर्टी म्यूज़ियम भी बनाया गया है। म्यूज़ियम जो है वो अपनी तर्ज में आप एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, क्योंकि इसके अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी
उन सबको हिस्ट्री के साथ बारी बारी वन बाय वन हर केस में रखा गया और उसकी हिस्ट्री को भी साथ साथ रखा गया कि कैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के डिज़ाइन को बनाया गया और कैसे फिर उस डिज़ाइन के थ्रू डिफरेंट तरह के पीसेस को कलेक्ट करके स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मुकम्मल किया गया। यहाँ से मैं स्टेयर से ऊपर जा रहा हूँ और स्टेयर से ऊपर जाने के बाद मैं ऊपर वाला व्यू आपको एक दफ़ा दिखा दूँ और उस व्यू को दिखाने के बाद फिर मैं आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी की म्यूज़ियम की सैर करवाता हूँ। तो यहाँ से ऊपर आके ये देखें, आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो आइलैंड है उसको पूरा आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये पीछे न्यूयॉर्क जो अभी हम जहाँ से हमने ये फेरी ली थी उस जगह को भी देख सकते हैं आप सारे। तो आहिस्ता आहिस्ता अब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे और ये लिबर्टी के म्यूज़ियम के अंदर हम आए हैं। इसका रास्ता है वहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो रास्ता इसका वहीं से है। तो यहाँ से लिबर्टी म्यूज़ियम में दाखिल होते हुए इसको दिखाया गया डिफरेंट तरह के लिबर्टी से रिलेटेड स्टैचूज़ को, जिन लोगों ने उसके बनाने में किरदार अदा किया उनके पोर्ट्रेट्स रखे गए हैं, स्टैचू को किस तरह से स्मॉल साइज़ में डिज़ाइन किया गया और फिर कैसे आहिस्ता आहिस्ता उसको एक 22 मंजिला बिल्डिंग के बराबर हाइट दी गई और उसको कैसे जोड़ा गया, इसके सिलसिले में क्या क्या चीज़ें और काविशें की गईं, क्या क्या मुश्किलात पेश आई, उन सब की हिस्ट्री यहाँ पे लिखी गई है कि डिज़ाइनिंग ऑफ लिबर्टी कैसे हुई। तो आप लोग ये सारा जब भी आप विज़िट करें तो आप इसकी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं या नेट से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी हिस्टोरिकल वीडियोज़ भी ऐसी हैं जो हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बताती हैं या इसकी हिस्ट्री को दिखाती हैं हमें। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर और भी बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि उसके अंदर यूज़ होने वाले जो पिलर्स हैं वो किस तरह से बनाए गए, उनका डिज़ाइन कैसे वजूद में आया, यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जहाँ खड़ा हुआ है जिस पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है उसका डिज़ाइन कैसे किया गया, इसके डिफरेंट तरह के मॉडल्स कैसे बनाए गए और इन मॉडल्स को फिर कैसे फाइनलाइज किया गया। इसके अलावा फ्रांस और US के अंदर जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस थी उसको एक वीडियो में रख के यहाँ सामने स्क्रीन पे भी चलाया गया है ताकि लोग उसको देख सकें। जो फ्लेम है, जो फ्लेम का डिज़ाइन है, यानी कि जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जो फ्लेम हाथ में पकड़ा हुआ है उसका जो डिज़ाइन है उसको भी यहाँ रखा गया है, जो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस डिज़ाइन को कैसे बनाया गया, शेप जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की उसको कैसे फाइनलाइज किया गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे म्यूज़ियम में रखी गई हैं ताकि लोग इनको देख सकें और पढ़ सकें। ये डिफरेंट और हिस्टोरिकल चीज़ें या कुछ मोनूमेंट्स हैं उनको भी रखा गया है यहाँ पे ताकि हम लोग आसानी से इसको देख सकें। और ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं सारी की सारी जो डिफरेंट तरह के ममालिक से यहाँ अमेरिका में आई और उनकी हिस्ट्री क्या थी उसको स्क्रीन पर चलाया गया और उसके बारे में लोग क्या क्या जानते हैं उसको कलम बंद किया गया। यहाँ पे विज़िटर्स बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि 4 जुलाई का दिन था, इंडिपेंडेंस डे था, और इसलिए यहाँ पे विज़िटर्स बहुत ज़्यादा थे आज के दिन। तो एक दफ़ा फिर ओवरऑल देखते हैं पूरे म्यूज़ियम को कि ये लुक वाइज कैसा लगता है। ये देखें आप, इसके अंदर डिफरेंट तरह के पिलर्स भी दिखाए गए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी से रिलेटेड, उसकी जो टोज़ हैं जो पिलर्स के ऊपर रखे गए हैं उसका डिज़ाइन कैसे किया गया, स्टेबलाइजेशन उसकी कैसे की गई और उसको जोड़ा कैसे गया, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके थोड़े थोड़े से मोनूमेंट्स यहाँ पे दिखाए भी गए हैं। स्पेशली हेड और क्राउन वाला जो हिस्सा है स्टैचू का हेड और क्राउन वाला जो हिस्सा है उसको बहुत ज़्यादा टेक्निक से यूज़ किया गया है और उसको दिखाया गया है। ये फ्लेम वाला हिस्सा यानी कि फ्लेम का जो डिज़ाइन है वो कैसे बनाया गया, ये फ्लेम के अराउंड जो रिंग है उसकी शेप कैसी है इसको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। और इसके साथ साथ ये आपको मैं क्लोज़अप करके भी दिखाता हूँ इसकी शेप कैसी है, जो स्टैचू की शेप है उसको कैसे फाइनलाइज किया गया। तो ये तो सारा म्यूज़ियम था, म्यूज़ियम हमने देख लिया। अब म्यूज़ियम से हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद एक दफ़ा दोबारा से ये सारी जगह को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बैक साइड है स्टैचू की, सारी स्टैचू आपको यहाँ से बैक साइड से नज़र आ रहा है
और ये बैक साइड से जब हमने स्टैचू देखा तो हमारा टाइम क्योंकि ओवर हो चुका था, शाम होने वाली थी, तो मैंने दोबारा से फेरी ली अपनी और फेरी से अब मैं दोबारा से वापस जा रहा हूँ कोस्ट की तरफ जहाँ से मैं चला था। और ये तकरीबन दोबारा से 10 से 15 मिनट लेगी और मुझे मेरे रास्ते पे जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे छोड़ देगी, यानी कि फेरी का जो स्टेशन है न्यूयॉर्क में वहाँ तक ये मुझे ले जाएगी और आगे फिर मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ से मैं सबवे में या किसी भी बस या ट्रेन में वहाँ से अपने घर चला जाऊँगा। तो उम्मीद है आप सबको ये सफ़र अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Thank you.